दोस्तों बात करेंगे कल के बाजार के लिए। और आपको पता है कि एक एक पॉइंट पे हमें देखिएगा पूरी तरीके से बारीकी से फोकस करना पड़ेगा जब तक मार्केट बार बार सपोर्ट से भाग रहा है। क्योंकि आपको पता है सपोर्ट आ जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा तब क्या, या रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन होगा तो क्या। तो इसलिए आपको सारे अपडेट्स पता होने चाहिए कि मार्केट एक्चुअल में देखिएगा क्या बिहेव कर रहा है। तो एक एक करके देखिएगा जानेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो आप देख सकते हैं 4 पर आ चुका है, और इसमें 1.5% की तेजी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है। फिर 30 ईयर बॉन्ड यील्ड में 1% की तेजी है, और यहाँ पे 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, वो है 2% की अपडेट, यानी 2% का आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि जो यूएस मार्केट में बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन है वो अकॉर्डिंग टू देयर डेटा है, यानी उनका डेटा ही कुछ प्रॉब्लम में आ रहा है, उनका डेटा ही कुछ फेड के लिए नहीं अच्छा आ रहा। दैट्स वाई ना मार्केट देखिएगा बिहेव कर रही है पॉजिटिवली, और ना देखिएगा बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट का अप होना इक्विटी मार्केट के लिए बिल्कुल भी नहीं सही है। तो कल के लिए फिर से सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी आपको है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम पेनफुल अपडेट ये आ रही है, कितने दिनों से जो हमारे करेंसी 82.8 का स्ट्रेंथ बना के बैठा हुआ था, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ था, कोई पेन भी नहीं, कोई पैनिक भी नहीं, तो उसमें भी देखिएगा काफी अच्छा लो बन गया है 83.108 का। ये आपको आज अभी बनते हुए देखते हुए मिला है, इम्पैक्ट इसका कल आपको देखते हुए मिलेगा, क्योंकि आज भी हमारी करेंसी काफी अच्छे हाई के साथ ओपन हुई थी। तो आपको पता है कि जो ये लो बना रही है इसका इम्पैक्ट भी कल ही देखते हुए मिलेगा। तो कल दोनों तरफा मार्केट तो देखते हुए मिलेगा, लेकिन सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कर सकते हैं अगर आप मॉर्निंग 25 मिनट्स में वर्क कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है क्रूड ऑयल में। एक्चुअल में देखिएगा जो रेड सी का टेंशन है वो छोटा टेंशन अब नहीं रहा, वो प्रॉपर देखिएगा एक रीजनल देखिएगा वॉर की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हूती मानने की बात नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे बिजिएस्ट रूट पे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे असमंजस बना हुआ है क्रूड ऑयल पे। नेचुरल गैस में तो काफी क्रैश भी आता है, फिर रिबाउंड भी वैसे ही होता है। अभी 8% का क्रैश देखने को मिल रहा है, और अचानक से देखेंगे आप तो 7-8% का जंप देखने को मिलेगा। कल भी 7% का जंप आपको देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीजें मार्केट को वोलेटाइल बनाएंगी, कंसर्निंग बनाएंगी, चूंकि रेड सी एक बड़ा सिलेबस है, और वो देखिएगा जिस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को डिस्टर्ब करेगा वो तुरंत देखिएगा वहां पे वेव करते हुए देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स की। तो निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है आज की क्लोजिंग में, और डाउ फ्यूचर्स जैसे मैंने बताया निगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, टेक फ्यूचर्स भी निगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। वजह आपके पास कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पे एशियन मार्केट ही निगेटिवली देखिएगा पूरी तरीके से बिहेव कर रहा है, चूंकि निक्केई और हैंगसेंग दोनों ही देखिएगा अच्छे खासे गिरे हैं आफ्टर द डेटा, डेटा आने के बाद अच्छे खासे गिरे हैं ये दोनों पर्टिकुलर देखिएगा बाजार, जिसका इंपैक्ट आज अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखा। तो कल हो सकता है ये और प्रेशर क्रिएट करें। रिलायंस इंडस्ट्री देखिएगा एक अदर मुद्दा है, जहां पे जीडीआर रिलायंस इंडस्ट्री का आपको गिरते हुए देखने मिल रहा है 1.2% के लिए, जो कल का देखिएगा एक बहुत ही मेजर फैक्टर होगा निफ्टी 50 के लिए। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपको 1.2% की गिरावट देखने मिल रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो जो डेटा है वो डेटा ये कह रहा है कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो एग्जैक्टली देखिएगा देखने मिल रहा है 21,960 पहला लेवल अगर टूटता है 22,000, और 21,880 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कल के लिए। ऊपर की तरफ देखिएगा अगर मार्केट सपोर्ट ले लेता है 22,000 पे, तो 22,120 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 में, याद रखिएगा। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक में, तो यहां पे सीधा 48,000 जब टूटेगा, जैसे 48,000 टूटे तो पहला टारगेट होगा 47,880, ये टूट जाए तो सीधा आपको देखने मिलेगा 47 देखेगा 740, और इसके बाद 660 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे फोकस करिएगा, ऊपर की तरफ देखिएगा 280 47
सॉरी 48280 पहला टारगेट, और अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा आपको 48 देखेगा 465 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।